भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस पार्टी को तोड़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में जुड़े हैं जिनको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। जितना ये प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी, इसके वॉलंटियर 100 गुना ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। पहले तो ये इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, आज गालियां दे रहे। हरियाणा से इनका जाना, बैग बैग इनके पैक हो गए हैं, जो आखिरी 2-4 सामान रखने होते हैं, पानी के बॉटल इधर उधर बैग में लगने, बस इनको उठा के अब निकलना। मोदी जी के पास कुछ काम तो होता नहीं है, 4 चवन्नी के काम करने नहीं है, बस ये करना है, 24 घंटे वो इसी काम में लगे थे, करने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस बारे में बात करते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस पार्टी को तोड़ने के लिए सारे प्रयत्न कर लिए गए, सारी कोशिशें कर ली गई, उसके बावजूद ये पार्टी खड़ी रही और संघर्ष कर रही है। वहीं आप नेता संदीप पाठक ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। मैसेज तो सीएम साहब खुद देंगे। एक बात तो ये कि सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस पार्टी को तोड़ने के लिए, सारी प्रयत्न कर लिए, सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद ये पार्टी खड़ी रही और संघर्ष कर रही है। आप इसके वॉलंटियरों की संरचना एक बार सोचो। ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में जुड़े हैं जिनको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनका एक ही भाव है कि देश के लिए समर्पित होना है। तो हम सारे लोग, सारे वॉलंटियर भगवान की किसी कृपा के कारण ही यहाँ एकत्रित हुए और एक नई राजनीति के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिया इस देश को, उसको आगे लेकर जाना है। और चाहिए जो मर्जी कर ले, जितना ये प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी, इसके वॉलंटियर 100 गुना ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी भाषण में आम आदमी पार्टी के जमकर हमला बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन पार्टियों को चांस देकर अब कांग्रेस पार्टी पछता रही, जिनको इन्होंने चांस दिया था, एक पार्टी है कट्टर बेईमान पार्टी, उनका बस एक मकसद है कि चुनाव कैसे भी जीतना, खजाने को खाली करना, जहां जहां लोगों ने उनको मौका दिया आज पछता रहे हैं, पंजाब का उदाहरण उन्होंने दिया। वैसे आप देखोगे कि शुरू से ही ये प्रैक्टिस रहा है कि पहले ये इग्नोर करते हैं, उसके बाद ये गालियां देते हैं और उसके बाद हम चुनाव जीत जाते हैं। तो यही है, पहले तो ये इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, आज गालियां दे रहे हैं। भाई क्यों अपना टाइम, आपको लग रहा है ना कि हम वहां कुछ है, इसका मतलब ये है कि इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है। हरियाणा से इनका जाना, बैग बैग इनके पैक हो गए हैं, जो आखिरी 2-4 सामान रखने होते हैं, पानी के बॉटल इधर उधर बैग में लगने, बस इनको उठा के अब निकलना है और कुछ नहीं है। तो जो मर्जी करे टाइम पास, मोदी जी के पास कुछ काम तो होता नहीं है, 4 चवन्नी के काम करने नहीं है, बस ये करना है, 24 घंटे वो इसी काम में लगे थे, करने दो। कल आप लोग की एक बड़ी मीटिंग हुई हरियाणा को लेकर, क्या फैसला हुआ, क्या सीएम जाएंगे हरियाणा में कैंपेन करने आगामी दिनों में, आपको आने वाला है चुनाव प्रचार? निश्चित रूप से चुनाव है और हम अपने धर्म से आबद्ध है, राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं पूरी ताकत से, तो जाएंगे।